नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। दरअसल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मेरठ के दौरे पर हैं और सीएम योगी ने पुलिस लाइन से कूड़ा गाड़ियों को और इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इसके बाद मंडलीय अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक भी की है। तो सीएम योगी का मेरठ दौरा है आज और इस दौरान उन्होंने विकास कार्यों की समीक्षा की है। सीएम योगी का मेरठ दौरा, कूड़ा गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर इस दौरान रवाना किया है सीएम योगी ने और जनप्रतिनिधियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक भी की है। बैठक कर विकास की कार्यों का निरीक्षण किया है। जनप्रतिनिधियों के साथ यह बैठक की गई है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक की है। आपको बता दें कि कूड़ा गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया गया है। आज मेरठ दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ। और रुक करेंगे अब वाराणसी का, जहां पर कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे हैं, ग्राउंड जीरो पर खुद उतरे हैं और बाढ़ का जायजा ले रहे हैं स्वतंत्र देव सिंह। स्वतंत्र देव सिंह ने जिला अधिकारी के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा भी किया। वहीं एनडीआरएफ की टीम के साथ बाढ़ग्रस्त इलाकों में बाढ़ राहत क्षेत्र और शिविर में पीड़ितों का राहत सामग्री का वितरण भी किया गया। इस दौरान करने की बात कही है और बोले हैं कैबिनेट मंत्री, सरकार के लिए राहत सबसे पहली प्राथमिकता होगी। तो वाराणसी के दौरे पर हैं आज स्वतंत्र देव सिंह, बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे हैं कैबिनेट मंत्री। और स्वतंत्र देव सिंह जिला अधिकारी के साथ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा भी किया है, पीड़ितों को राहत सामग्री वितरण करने की बात कही है। एक बार हम लोग देखें कितना नुकसान है, कितना हानि है। देश के प्रधानमंत्री चिंतित हैं और काशी के क्षेत्र के, वह जब से यह सूचना उनको मिली चिंतित, क्योंकि उनको गरीबी का एहसास है, गरीबी क्या होती उन्होंने देखा है। इसलिए बाढ़ राहत सामग्री जो बाढ़ आई है, लोग किसी को तकलीफ न हो, दुख हो, इसकी हम लोग चिंता कर रहे हैं। अभी हम लोग किए हैं, बाकी यहाँ कैंप है, बाकी जिनको ज़्यादा कठिनाई उनको कैंप में रखा जा रहा है, उनकी भोजन सब सुविधाएँ हैं सभी प्रकार की और घर में इनको राहत सामग्री पर्याप्त दिया जा रहा है। तो स्वतंत्र देव सिंह वाराणसी दौरे पर हैं, बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे हैं। एनडीआरएफ को तैनात किया गया है, यानी राहत की सामग्री यहां पर है। बाढ़ क्षेत्र का दौरा किया, बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने। बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे वाराणसी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभिषेक झा हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। अभिषेक, आज कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह वाराणसी दौरे पर हैं, इस दौरान बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का उन्होंने दौरा किया, क्या कुछ खबर पर जानकारी है? देखिए, बाढ़ की जो स्थिति यहाँ वाराणसी में बनी हुई है वो खतरे के निशान के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है। 71 मीटर के आसपास, 71.26 मीटर यहाँ पे है। और बाढ़ के हालात, बाढ़ से जो हालात हैं वो लगातार निचले इलाकों में खराब होते जा रहे हैं। तकरीबन 1800 लोगों को कल रेस्क्यू किया गया था और उन्हीं बाढ़ से राहत शिविरों में, और जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है उन क्षेत्रों का स्वतंत्र सिंह ने आज जिलाधिकारी और जो मंडल आयुक्त दीपक अग्रवाल है उन लोगों के साथ मिलकर के एनडीआरएफ की टीम के साथ उन क्षेत्रों में गए हैं और नुकसान का जायजा लिया है। लोगों के बीच में राहत सामग्री भी बांटी है। पिछले 2 दिनों से स्वतंत्र देव सिंह यहाँ पर हैं और बाढ़ के ऊपर में पूरी नजर बनाए रखे हुए हैं। और साथ ही साथ कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा और मंडल आयुक्त दीपक अग्रवाल इन दोनों को फोन करके बाकायदा पूरी जानकारी ली कि बाढ़ के क्या हालात हैं वहाँ पे, और अगर साफ तौर पे निर्देशित किया है कि अगर किसी तरह की कोई आपात स्थिति आती है तो पीएमओ से भी संपर्क किया जा सकता है। आज सुबह सुबह बिल्कुल स्वतंत्र देव सिंह कल रात में भी बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए अभिषेक। तो पीड़ितों को राहत सामग्री वितरण करने की बात कही गई है कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह की तरफ से और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का उन्होंने जिलाधिकारी के साथ निरीक्षण भी किया है आज। यूपी के बांदा में बाढ़ के हालात को देखते हुए सरकार और स्थानीय प्रशासन लगातार बाढ़ राहत कार्य में लगे हुए हैं। प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान आज बांदा पहुंचे और बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का दौरा भी किया। कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने सरकार के हवाले से भरोसा दिलाया कि बाढ़ से जो भी लोग प्रभावित हैं उनकी पूरी मदद की जाएगी और इसके साथ ही जिन किसानों की फसलें खराब हुई हैं उनकी भरपाई फसल बीमा योजना के जरिए की जाएगी।
मंत्री ने आज 2 दर्जन से अधिक गांव का दौरा किया है और उनके साथ जिलाधिकारी बांदा अनुराग पटेल और एसडीएम पैलानी लाल सिंह यादव ने क्षेत्र का दौरा किया। से निर्देश हम लोगों ने दिया है अधिकारियों को कि कहीं कोई प्रभावित परिवार है जहाँ खाना आज की दिक्कत है वो भी उनको उपलब्ध कराया जाए, राशन सरकार के द्वारा दिया जा रहा है और भी जो सुविधाएं दी जा सकती है वो दी जाएंगी। कोई भी व्यक्ति बाढ़ से प्रभावित नहीं रहेगा, सबकी मदद सरकार करेगी, उनके साथ सरकार खड़ी है। बलिया में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बलिया शहर के निचले इलाके के निहोरा नगर कॉलोनी में बाढ़ का पानी घुस गया है और कई घरों के अंदर पानी घुस गया है। बाढ़ को देखते हुए बलिया जिलाधिकारी ने कहा है कि बलिया में गंगा खतरे के निशान से लगभग 2 मीटर ऊपर बह रहा है। सभी बाढ़ से प्रभावित गांव वाले ऊंचे सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए नोटिस दे दिया गया है उनको, और जो भी बाढ़ से संबंधित सुविधा है वो सारी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। तो लाल निशान के पार गंगा पहुंच चुकी है, कई घरों के अंदर पानी भी घुस गया है। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। तो प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। लाल निशान के ऊपर गंगा का जलस्तर पहुंच चुका है, कई घरों के अंदर पानी भी गंगा का घुस गया है। और ऐसे में क्या कुछ कहा जिलाधिकारी ने वो आपको सुनवाते हैं। जनपद बलिया में अभी जो वर्तमान में गंगा नदी है वो खतरे के निशान से लगभग 2 मीटर ऊपर बह रही है और जितने भी गाँव वर्तमान में प्रभावित हैं सबको नोटिस दे दिया गया है और प्रॉब्लम इशू कर दी गई है कि सेफ स्थान पर आ जाए और जो हम लोगों के लिए बाढ़ आए हैं उनको कारण कर दिया। अभी हम लोगों के जितने भी गांव बाढ़ से प्रभावित है सबको ये कह दिया गया है कि सबको जो है उचित स्थान पर। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज रायबरेली जिले के दौरे पर हैं। आनंदीबेन पटेल शहर से सटे दरियापुर कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और उसके बाद सलोन में संचालित एनिमल ब्रीडिंग सेंटर भी जाएंगे। बता दें कि बीते 2 दिनों में जिले में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के भी दौरे हो चुके हैं। तो रायबरेली से यह खबर है जहां पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का आज रायबरेली दौरा है। आनंदीबेन पटेल कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगी और इसके साथ ही एनिमल ब्रीडिंग सेंटर भी जाएंगे आनंदीबेन पटेल। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजू तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। राजू, एनिमल ब्रीडिंग सेंटर जाएंगे आनंदीबेन पटेल और क्या कुछ कार्यक्रम निर्धारित हैं राज्यपाल के? बिल्कुल, बता दें कि लगातार रायबरेली जिले में बीबीआईपी का लगातार दौरा लगा हुआ है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा लगा, उसके दूसरे दिन उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का दौरा था तो और आज लगातार तीसरे दिन उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो कयास लगाया जा रहा है कि ये एक अहम दौरा हो रहा है रायबरेली जिले में, क्योंकि रायबरेली जिला वीआईपी जिलों में आता है और इससे सटा हुआ जिला अमेठी है जो कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। तो पिछली बार लोकसभा चुनाव में वहां से भारतीय जनता पार्टी की स्मृति रानी ने कांग्रेस के युवराज जो कहे जाते हैं राहुल गांधी उनको हरा के एक तरह से फतेह हासिल किया, किला ढहाया कांग्रेस का। तो उसी के तहत जो लगातार लोगों के बीच में चर्चाएं हैं वो कहीं ना कहीं यही चर्चाएं हैं कि जो वीआईपी आ रहे हैं रायबरेली में इस बार सोनिया गांधी का जो संसदीय क्षेत्र है कहीं ना कहीं इस पे किले फतेह करने की ये जरूर बात चल रही है। तो इसी के तहत बता दें कि रायबरेली के दरियापुर कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित कार्यक्रम है जिसमें आनंदीबेन पटेल आ रही हैं और इसके बाद वहीं के बाद लगातार ये एनिमल ब्रीडिंग सेंटर है सलोन विधानसभा क्षेत्र में जहां पर वो आएंगी और लोगों को भी कहीं ना कहीं वहां इकट्ठा किया गया, वहां लोग आ रहे हैं। ये एक रूरल एरिया है, गाँव के बीचों बीच में बसा हुआ है तो उस राज्यपाल को देखने के लिए लोगों की भीड़ भी इकट्ठा देखी जा रही है और वहाँ एक प्रोग्राम भी होगा। तो लगातार जो लोगों के बीच में चर्चाएं हैं वो कहीं ना कहीं एक अहम दौरा माना जा रहा है।
बिल्कुल राजू, लेकिन इस दौरान जो चर्चाएं सामने आ रही, जो खबरें सामने आ रही, वो ये भी कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल 100 महिलाओं से चर्चा करेंगी, महिला सशक्तिकरण को लेकर के इन महिलाओं के बीच अपनी बात रखेंगी, और सरकार की तरफ से कौन सी वो योजनाएं हैं जो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देती हैं, उनके बारे में भी चर्चा की जाएगी। जी बिल्कुल, बता दें कि जो कृषि विज्ञान केंद्र में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा उसमें समृद्ध किसान और जो महिला सशक्तिकरण के तहत जो भी योजनाएं चलाई गई हैं उसको लेकर वो विस्तार से चर्चा करेंगी, महिलाओं को कहीं ना कहीं वो प्रेरित करेंगी, और भी जो महिलाएं वहां पर इकट्ठा है देखा जा रहा है कि महिलाओं के हाथ में कहीं ना कहीं जो कुछ एप्लीकेशन भी देखे जा रहे हैं, तो सीधे तौर पर संवाद भी लोग करने का प्रयास करेंगे, अब क्षेत्र की समस्याओं से भी रूबरू होंगी वो, तो इस तरह से जो प्रोग्राम निश्चित किए गए हैं उसमें इसके बाद एनिमल ब्रीडिंग सेंटर में भी लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो यहाँ भी एनिमल ब्रीडिंग सेंटर में भी लोगों से सीधा वो संवाद ही करेंगे। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ, राजू आपका रुख करेंगे। तो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का रायबरेली दौरा है आज, और इस दौरान वो कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। और खबर रायबरेली के जगतपुर से है, जहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों को जमीन पर सुलाकर उपचार करने का वीडियो वायरल हुआ है। बता दें कि वीडियो में डॉक्टर और स्टाफ मरीजों के साथ मनमानी करते भी नजर आ रहे हैं, तो जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराती हुई नजर आ रही है, जमीन पर लिटाकर मरीजों का इलाज किया जा रहा है, डॉक्टरों की लापरवाही का वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। हालांकि लगातार डिप्टी सीएम, जिनके पास तो स्वास्थ्य महकमा है, स्वास्थ्य विभाग है, ब्रजेश पाठक, वो खुद स्वास्थ्य अधिकारियों को सख्त निर्देश देते नजर आए हैं, वो रायबरेली के दौरे पर भी रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके किसी भी तरीके के कान में जू रेखती नजर नहीं आ रही है स्वास्थ्य महकमे के अंदर, और ऐसे में ये तस्वीरें जो हैं वो स्वास्थ्य महकमे की हकीकत को बयां करती नजर आ रही हैं। और हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता राजू हमारे साथ बने हुए हैं। राजू, जिस तरीके से डॉक्टरों की लापरवाही का ये वीडियो सोशल मीडिया पर सामने अब वायरल हो रहा है, इसको लेकर के जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जो तस्वीरें बयां कर बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना स्वास्थ्य विभाग का रवैया देखने को साफ तौर पर मिल रहा है। बात की जाए अगर रायबरेली जिले के स्वास्थ्य महकमे की, तो रायबरेली का स्वास्थ्य महकमा लगातार निरंकुश हो गया है। जो देखने के लिए तस्वीरें सामने आई है, कहीं दवा जलाने की तो कहीं दवा फेंकने की, तो इस तरह के कई वीडियो भी सामने आए हैं, जिसके बाद अभी तक जिले के जो स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी हैं उनके तरफ से ना कोई कार्यवाही की गई है, ना किसी प्रकार का उनको उनके कार्यों में सुधार देखने को मिला स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। तो सीधे तौर पे देखा जाए तो आला अधिकारी कहीं ना कहीं इस मामले में पूरी तरह से संलिप्त दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कल जो उप मुख्यमंत्री हैं जिनके पास स्वास्थ्य विभाग का कमान है, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि स्वास्थ्य महकमे पर खास तौर पर निगाह हमारी बनी हुई है और स्वास्थ्य महकमे को सुधारने के साथ साथ जिले को नंबर वन बनाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि ये वीवीआईपी जिला है। तो लेकिन इस तरह की जो तस्वीरें लगातार स्वास्थ्य विभाग की आ रही हैं वो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि स्वास्थ्य महकमे पर कहीं ना कहीं पूरी तरह से निरंकुश है, और जिले में आला अधिकारियों के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं दिखाई दे रहा है, ना सीएम का ना डिप्टी सीएम का। तो इस तरह से लगातार जो अधिकारी निरंकुश है वो कहीं ना कहीं जो सीएमओ है और इस तरह के अधिकारी है उनके तरफ जो कार्यवाहियां नहीं की जा रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए राजू। और खबर पटना से है अब, जहां पर आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने पटना स्थित प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर लगे आरोपों को लेकर कहा कि मीडिया के एक वर्ग ने बिना सबूत के गुरुग्राम सेक्टर 71 का मॉल तेजस्वी यादव का बताया है, उनके ऊपर अब मानहानि का मुकदमा होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी को इस बात का डर है कि बिहार हाथ से निकल गया है और तेजस्वी और नीतीश साथ आ गए हैं। बीस घंटे से ज्यादा हो गए जब तेजस्वी जी ने साक्ष्य और सबूत रखे, मीडिया के उस वर्ग में, वो मीडिया जिसे आप भी खुदी मीडिया कहते हैं, उसमें अब तक माफीनामा नहीं आया। क्या चाहते हैं आप? क्या आप विंडो पे विंडो काट करके ये बताते रहे कि ये मॉल तेजस्वी जी का है, और जब तेजस्वी प्रसाद यादव साक्ष्य
और सबूत आपके सामने परोसते हैं तो आप चुप्पी साध लेते हैं। ये पत्रकारिता नहीं है। आप किसके इशारे पे काम कर रहे हैं? और मैं तो पूछना चाहता हूं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से कि 20 घंटे हो गए आपने माफी क्यों नहीं मांगी। और बिल्किस बानो केस में दोषियों के रिहाई का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी कड़ी में पटना में माले और कांग्रेस के सदस्यों ने बिल्किस बानो केस में दोषियों को गुजरात सरकार द्वारा छोड़ने पर विरोध जताया है। ये पटना की तस्वीरें हैं जहां पर बिल्किस बानो केस में दोषियों को छोड़ने का विरोध जताया गया है। लोगों ने अपने हाथों में तख्ती लेकर के विरोध जताया है। भाकपा और माले की तरफ से ये विरोध दर्ज किया गया है। माले और कांग्रेस का सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया है। मोदी सरकार जवाब दो, जवाब दो। बिल्किस बानो के बलात्कारी उनके परिवारों के नरसंहार करने वाले हिंदू की रिहाई क्यों? जवाब दो, जवाब दो। नरेंद्र मोदी जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। अनुसरण करो, करो। मोदी सरकार आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कारियों को सजा दी और उम्र कैद की सजा दी, लेकिन गुजरात सरकार बेटी बचाओ नहीं बल्कि बेटी के रेपिस्ट का को छोड़ती भी है और उसका भाजपा के लोग माला डाल के स्वागत करते हैं। ये सिचुएशन बन गई है भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट में। गुजरात सरकार ने बिल्किस बानो के सामूहिक जो गैंग रेप किया था, उनके परिवार की जो हत्या किए थे लोग, गुजरात सरकार ने सजा याफ्ता मुजरिमों को बाइज्जत रिहाई की है। ये रेप के कानून का रेप है। ये संविधान, लोकतंत्र और इंसाफ का गला घोटना है। हम लोग इसकी कड़ी भर्त्सना करते हैं और जो सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी हैं, हत्या के आरोपी हैं, उनको पुनः जेल में डाला जाए और सुप्रीम कोर्ट गुजरात सरकार पर कार्रवाई करे। फरुखाबाद मऊ दरवाजा थाना के पीछे बहादुरगंज मोहल्ला में संदिग्ध परिस्थितियों में एक शिक्षक ने अपनी दो मासूम बेटियों के साथ फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। बता दें कि शिक्षक ने अपनी दोनों बेटियों को जहर वाली टॉफी खिलाई और फिर खुद भी आत्महत्या कर लिया। वहीं मामले में मृतक युवक के भाई का कहना है कि पत्नी के देहांत के बाद से मृतक शिक्षक डिप्रेशन में था और इसलिए उसने ऐसा कदम उठाया। बहरहाल पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। समस्तीपुर मुसरी घरारी थाना क्षेत्र के हरपुर एलाउथ वार्ड संख्या 8 में आयोजित श्री कृष्ण जन्मोत्सव मेले में आपसी वर्चस्व को लेकर दो गुटों में जमकर मारपीट हो गई है। इस दौरान कई वाहनों में तोड़फोड़ की गई और जमकर गोलियां भी चलाई गई। गोली चलने के बाद मेले में घूमने आए लोगों के बीच भगदड़ मच गया और जिससे कि कई लोग चोटिल भी हो गए हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि गोली लगने से एक व्यक्ति जख्मी भी हो गया है, हालांकि उसकी पहचान या नाम अब तक सामने नहीं आ पाए हैं। तो देखिए यहाँ पे गोली उली भी चल रहा था, लाठी डंडा चल रहा था, पता नहीं कौन लोग थे, इसमें से भी आदमी भागा और दो लोग थे मारते हुए उस तरफ दहिना के दिशा में। कितने के संख्या में थे वो लोग? लोग 10 लोग के संख्या में। बाइक से थे? बाइक से थे। कहाँ मेला देखने आए थे? हरपुर एलोस कुमार टोली में। कार जो यहाँ पर टूट फूट नहीं पता है किनका कार है यहाँ पर। कुछ लोग मारपीट किया, शीशा फोड़ दिया गाड़ी का। तो यहाँ पर गोलीबारी की भी बात आ रही है? नहीं, गोलीबारी नहीं हुआ। गोलीबारी नहीं हुआ। सोनाली फोगाट की मौत के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि सोनाली फोगाट की मौत के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस के पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया है। इस वक्त की बड़ी खबर दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। सोनाली फोगाट को ड्रग्स दिया गया था, पुलिस ने इस बात की जानकारी दी है। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने यह बड़ा खुलासा किया है। तो सोनाली फोगाट के
मौत को लेकर के मौत के मामले में ये बड़ी अपडेट दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। सोनाली फोगाट को ड्रग्स दिया गया था, पुलिस ने इस बात की तस्दीक की है। और बिहार में बीजेपी और आरजेडी के बीच चल रही सियासी बयानबाजी थमती नहीं दिख रही है। बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव प्रेस में कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी नेताओं पर निशाना साधा, तो वहीं अब बीजेपी के पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा है कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने धमकाने का काम किया है उससे यह तय है कि बिहार में जंगल राज 3 वापस आ गया है। तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने तेजस्वी के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि बिहार की जनता को पता है कि असली यादव कौन है। तेजस्वी भेड़ चराने वाले हैं और नित्यानंद गाय चराने वाले, गौपालक और भगवान श्री कृष्ण के वंशज यानी असली यादव हैं। तेजस्वी यादव हताश है, निराश है, परेशान है और भदवासी में अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। किसको धमकी दे रहे हैं तेजस्वी? किसको ठंडा करने की बात कर रहे हैं? पहले तेजस्वी अपने गिरेबान में छाके और यादव समाज की बात करते हैं। तेजस्वी तो भेड़ चढ़ाने वाले हैं और नित्यानंद राय यादव समाज के गौपालक हैं, गौवंशी हैं, गाय चढ़ाने वाले हैं। बिहार की जनता को भी पता है कि असली यादव कौन है और ये धमकी दे रहे हैं। तेजस्वी को यह पता होना चाहिए कि वे कसाई खाना खुलवाने वाले हैं और ये गौ मांस और गौ हत्या के समर्थक ये लोग हैं। श्रीमान तेजस्वी यादव जी ने आज जिस तेवर में, जिस अंदाज में बिहार और बिहारियों को धमकाने का काम किया है, इससे साफ पता चलता है कि बिहार में जंगल राज 3 रिटर्न हो गया है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो क्या होगा, इस बिहार का भगवान ही मालिक है। बिहार में सियासी हलचल के बीच आरजेडी और बीजेपी का पलटवार जारी है। लगातार एक के बाद एक नेताओं का नया बयान सामने आ रहा है। आज बिहार विधानसभा सत्र के शुरुआत से पहले ही बीजेपी एक्शन में नजर आई। बीजेपी के नेताओं ने सदन की शुरुआत से पहले ही खूब विरोध प्रदर्शन किया और इस विरोध प्रदर्शन में बीजेपी विशेष समिति और आचार समिति की रिपोर्ट को सदन में रखने की मांग कर रही थी। वहीं इस दौरान बीजेपी के विधायक और पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा कि अगर सरकार इसको पटल पर नहीं रखती तो हम विरोध जारी रखेंगे। देखिए, आचार समिति का जो रिपोर्ट है उसको परसों ही ले करने की बात थी, ले आउट करने की बात थी, सदन की कार्यसूची में वो शामिल भी था, बावजूद उसके उसको ले आउट नहीं किया गया। इस पर भारतीय जनता पार्टी को आपत्ति है और कहीं ना कहीं उसको ले आउट कराने को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अपनी मांग रखी है, उसके लिए हम लोगों ने प्रदर्शन। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।